अकेले बैठे हुए हैं आप? खाना खाया? मालूम है मेरा इंतजार कर रहे होंगे आप। कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करिए। क्या बात है बाबा, कुछ परेशानी? वर्षा और तेरी आई के बीच में फिर झगड़ा शुरू हो गया। देख बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है इस बच्चे के शो के लेकर, कहीं दोनों में युद्ध न छिड़ जाए। बाबा मैं थक चुका हूँ। आई को समझाने जाता हूँ तो आई बुरा मान जाती है, वर्षा को समझाता हूँ तो उसे लगता है कि मैं आई की तरफदारी कर रहा हूँ। लेकिन बेटा हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी अभी और इसी वक्त, वरना तो अंजाम तो जानता है ना। अश्विन वाले किस्से को लेकर हमारा घर टूट सा गया था, और अगर अब कुछ ऐसा हुआ बेटा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप कहते हैं तो मैं वापस से कोशिश करूंगा, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। तो एक काम कर, तू वर्षा को समझा, मैं भावना को समझाता हूँ। और हाँ, वर्षा को एक बात और समझा दो, उसने जो आज ये बात कही है कि ये बच्चा ना होता तो अच्छा होता, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सतीश, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने बच्चे के बारे में जो भी कहा वो सही नहीं था। वाह, हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई अब तक, और तुम्हें इस बात का पता भी चल गया। वर्षा, कम से कम तुम तो मुझे समझो सतीश, कुछ भी जाने बगैर सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हो तुम? देखो सतीश, तुम जानते हो मुझे अपनी आजादी, अपना फ्रीडम कितना प्यार है, और इस बच्चे की वजह से अभी से उस पर पाबंदियां पड़ रही। एक तो सतीश, ये सब कुछ मेरे लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं एक अच्छी माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। जानते हो सतीश, जब भी अकेली होती हूँ ना तो इसी सब के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद के बारे में सोचना ही भूल गई हूँ। ऊपर से आई का बच्चे को लेकर इतना पॉजिटिव होना, मुझे तकलीफ होती है इस सब की। और सोचो सतीश, अगर कल को बच्चा होने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम अच्छे आई बाबा नहीं बन सकते, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। सतीश, ये देख रही हो, इनके पास घर नहीं है, दो वक्त की रोटी ये ठीक से कमा नहीं सकते, लेकिन ये माँ है, और यही माँ होने का एहसास इन्हें अपने बच्चे की परवरिश करने की ताकत देता है, समझ देता है। वर्षा, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं अपने बच्चे को एक अच्छी, एक खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं? मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ वर्षा, ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक बच्चे के हमारी जिंदगी में आ जाने से हमारी जिंदगी रुकती नहीं है, वो उसी रास्ते पर उसी स्पीड के साथ चलती रहती है। वर्षा, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया ताकि तुम्हारे अंदर जो बच्चे को पालने का भय है, उस भय को मैं निकाल सकूं, उसे खत्म कर सकूं। तुम्हें लगता है ना कि बच्चे के आ जाने से तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है वर्षा। वर्षा, ये जो फैसला है ना, ये तुम्हारा है, और सिर्फ तुम्हारा है, वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बच्चे को तुम्हें पालना है या नहीं पालना है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम माँ बनने जा रही हो, तो तुम इस नए एहसास को फील करो। बच्चा बहुत बड़ी दौलत होती है इस दुनिया की, उसकी तुलना हम किसी और चीज से नहीं कर सकते। इस दौलत को अपना लो, ये तुम्हें बहुत खुशी देगी, बहुत सुकून देगी।
मानव, कल मैंने तुझसे एक काम बोला था, किया तूने बेटा? हाँ, एक मिनट। ले। पूरे लाए ना बेटा। अरे मानो, मैंने जो बोले थे उससे कम लग रहे हैं पैसे। हाँ, वो इसमें 10,000 कम है। वो पिछले साल सचिन के नामकरण के लिए मैंने एक दोस्त से 10,000 रुपए उठाए थे ना, तो उसने मांगे तो मैंने दे दिए। मैं अगले इस साल भी मैं गए साल जैसा वड़ा पाव का स्टॉल लगाने वाली हूँ, उसका डिपॉजिट भरना है ना। हाँ, विमला और लक्ष्मी भी मदद करने वाली है, तेरी भी जरूरत पड़ सकती है। हेलो, जयवन बोल रहा हूँ, मानव है? एक मिनट। हाँ मानव, जयवन का फोन है, तुझसे बात करना चाहते, आ जा। ये आदमी कभी अच्छा नहीं लगा, पहली बार मुलाकात हो गई तभी मैं समझ गई पागल है, यड़ा है। सुलोचना ताई ने अपनी बेटी के लिए इसको कैसे, जाने तो मुझे क्या करना है अर्चना और उसकी जिंदगी ले। हेलो, तुमने सतीश सर से मेरी कंप्लेन की? सर, मैंने मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने तुमसे कहा था ना 2-4 दिन रुक जाओ, तो फिर मैनेजमेंट तक जाने की क्या जरूरत थी? ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर बहुत खड़ी होगी सुनाई। मैं भागा जा रहा था या तुम्हारे इंक्रीमेंट, जो तुम्हें ये सब तमाशा करने की जरूरत थी? सर मैंने एक बात कान खोल कर सुन ले माना, अगर तुम मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलेगा ना तो नौकरी से तो हाथ धो बैठेगा, तेरी निजी जिंदगी भी हराम कर दूंगा मैं। समझ गया। वैशाली अभी तक तैयार नहीं हुई, नवरात्रि के मेले में नहीं जाना क्या? मम्मी जी 5 मिनट दीजिए, फिर तुरंत तैयार हो जाती, ठीक है? जल्दी करो, देख धर्मेश को भी बोल जल्दी तैयार हो जाए। मम्मी जी वो नहीं आ रहे, वो कह रहे उनका मूड नहीं है। मैं जानती थी वो ऐसा ही कुछ कहेगा। जब से अर्चना के हाथों उसका अपमान हुआ है ना, टूट सा गया है वो, पता नहीं कब संभलेगा ये लड़का। और वैसे मुझे भी ऐसी जगह जाने से घबराहट होती है जहाँ अर्चना मौजूद हो। आज भी आ रही है ना वो, माता महालक्ष्मी कृपा करे कि आज उसकी वजह से फिर कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए वहां।